क्या नाम है आपका? प्रमोद। नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है लखनऊ मिक्स। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर और हम जा रहे हैं नोएडा और उसके बाद हमारा सफर दिल्ली चलेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि लखनऊ के जायके दिखाने के बाद लखनऊ मिक्स आपको दिल्ली के जायके भी दिखाएगा और हो सकता है नोएडा के भी जायके कुछ हम दिखाएँ। तो ये हमारे जमात भाई हैं और ये सलमान भाई हैं और ये हमारे मजाब भाई हैं। आप लोग सभी हमारे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को हेलो कर दें और बस हमारा सफर शुरू है, जारी है। कुछ कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं तो क्या कहना चाहते हैं बताइए। सबको सलाम, नमस्ते और क्या कहते हैं, सत श्री अकाल। इस समय हम लोग हिंदुस्तान के सबसे बड़े हाईवे के ऊपर चल रहे हैं और रात के 3 बजे से हम लोगों का सफर ये चल रहा है। बहुत मेहनत के साथ गाड़ी चला रहे हैं, आगे खोल के और हम लोग तो चलते हुए तकरीबन मतलब 3 घंटे से ऊपर तो हो चुका है। 3 बजे हम लोग लखनऊ से निकले थे और सुबह का 7 बज रहा है और हम लोग आगरा के पास पहुँच गए हैं। अभी हम लोग नोएडा जाएंगे, वहाँ पर जाके हमारे एक फ्रेंड है उनके रूम पर हम लोग जाएंगे, दोबारा वारा करेंगे, उसके बाद फिर आगे की ब्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे। और दिल्ली में जाएंगे हम लोग, नली नहारी खाएंगे और नहारी खाएंगे यार। सब बता दोगे तो हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स क्या देखेंगे आगे? कुछ सस्पेंस भी रखना है हम लोगों को यार। सस्पेंस क्या रखना है, कोई वो अब्बास मस्तान की मूवी थोड़ी ना चल रही है। थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए यार, एक्साइटमेंट होना चाहिए ना, आदमी को पता चलना चाहिए कि हम क्या देखेंगे। तो बस बात को यहीं पे ख़त्म करके और हमारा सफ़र जारी है, हम आपसे मिलते हैं अपने इसी सफ़र में। नोएडा की सोसाइटी में आ चुके हैं जहां पर हमारे बहुत ही करीबी दोस्त, क्या भाई कह लिए, अब्दुल्ला भाई रहते हैं। आइए चलते हैं, उनसे मिलते हैं चल के। हम अब्दुल्ला भाई, कैसे भेजा दें आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस दुआएं आपकी। वेलकम टू माय होम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं जा रहे हैं क्या आप? बस मैं ऑफिस जा रहा था। और आप बताएं? बस सब खैरियत है, आप बताइए। बस आपकी दुआओं पे जी रहे हैं जनाब। आप जा रहे हैं? आप बस ये गेट बंद कर लूं मैं और आपसे 2 मिनट बात कर लूं, आपको पहन दूं थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, जवाद भाई, तो इस वक्त आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं साथ में? कल रात की बहुत थकन हो गई थी हम लोगों को, तो इसलिए जो है थोड़ा सा आराम करा
सोए, अब दिन का 1 बज रहा है और इस समय हम लोग ग्रेटर नोएडा में हैं और यहाँ से अब हम लोग न्यू दिल्ली के लिए जा रहे हैं और फिर आगे जो अपडेट होगी वो आपको बताएंगे। और हमारे सलमान भाई भी हमारे साथ हैं। सलमान भाई आइए, जल्दी आइए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। सलमान भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और अब हम लोग न्यू दिल्ली घूमने जा रहे हैं और जो जायके का मामला था वो अब आपको अर्शद भाई बताएंगे। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे काफ़ी मज़ा आने वाला है। जवाब भाई, इस वक्त हम लोग कहाँ पर हैं? इस समय हम लोग ग्रेटर नोएडा में हैं और परी चौक चौराहा था यहाँ देखा और सामने ये अंसल प्लाजा है और मेट्रो स्टेशन लोग जा रहे हैं परी चौक और वहाँ से हम लोग नई दिल्ली के लिए निकलेंगे। 1.5 घंटे का रास्ता है यहाँ से मेट्रो से। लखनऊ के बाद अब हम लोग जायका लेने जा रहे हैं दिल्ली में बेहतरीन खानों का और हमारे साथ जवाद भाई हैं हमारे जो हमको लेकर चल रहे हैं। ज़्यादा क्या कहना चाहते हैं दिल्ली के बारे में आप? दिल्ली अच्छा शहर है, दिल वालों का शहर है, अच्छे खाने मिलते हैं, अच्छी घूमने की जगह है, मॉडर्न भी है और हिस्टोरिकल भी है, दोनों चीज़ें हैं, किले हैं, मस्जिदें हैं, मंदिर है, अच्छा धाम है, यानी दिल्ली दिल वालों की है। जी बिल्कुल। तो बस चलते हैं, अपना सफ़र जारी रखते हैं और दिखाते हैं चल के दिल्ली के जायके आपको। तो जनाब हमारा सफ़र जारी है और हम जा रहे हैं पुरानी दिल्ली के जायके लेने के लिए। तो नोएडा से हमने पता किया कि सबसे आसान तरीका कौन सा है पुरानी दिल्ली जाने के लिए, तो हमको बताया गया कि मेट्रो ट्रेन। तो हमने कहा कि हम अगर नोएडा आए हैं तो नोएडा की मेट्रो ट्रेन ज़रूर देखेंगे। तो हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। जब तक हमारी मेट्रो ट्रेन नहीं आ रही थी हमने यहाँ के नज़ारे खूब देखे और यकीन मानिए नोएडा एक खूबसूरत शहर है। तो जनाब हमें इंतज़ार है मेट्रो ट्रेन का, जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जाना है पुरानी दिल्ली और लेना है वहाँ के बेहतरीन जायके। और हम इंतज़ार कर ही रहे थे अपनी ट्रेन का कि एक ट्रेन आई और आकर चली गई और पब्लिक आती गई, लोग मजमा इकट्ठा होता रहा, इतने में हमारी मेट्रो ट्रेन भी आ गई। तो हमने भी अपने साथियों को आवाज़ दी कि भाई आ जाओ, अपनी ट्रेन आ गई है, और हमने भी उस ट्रेन के अंदर अपने सफ़र की शुरुआत कर ली। और यकीन मानिए कि मेट्रो ट्रेन से जब हमने अपनी वीडियो कवर की तो इतने खूबसूरत नज़ारे हमें दिखे कि हमारी आंखों को सुकून मिला। दोस्तों जो आप ये हमारे सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अक्षरधाम मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। अगर कभी वक्त मिला या दिल्ली दोबारा आया तो आपको यहाँ का व्लॉग भी ज़रूर मिलेगा। तो जनाब हम आ गए पुरानी दिल्ली और जैसा कि आप हमारे सामने देख रहे होंगे कि सामने दूर से जामा मस्जिद नज़र आ रही है और ये बाज़ार है, आगे मीना बाज़ार लगता है और यहाँ पर तमाम तरीके के आपको चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे कपड़े हो वगैरह, सब आपको मिल जाएंगे। तो जनाब पुरानी दिल्ली की बात मैं क्या करूं, पुरानी दिल्ली में तो आपको तमाम तरीके से जायके मिल जाएंगे और एक जिस बाज़ार का पुराना ही इतिहास है और काफ़ी पुरानी बाज़ार लग रही है यहाँ पर जामा मस्जिद के पास, और तमाम तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी और आप यहाँ पर अच्छे से अच्छा जायका भी ले सकते हैं, जैसे बिरयानी और सीख कबाब, तमाम तरीके से जायके ले सकते हैं आप। अगर जामा मस्जिद के आसपास के खानों की बात करें तो जायके तो बेहतरीन से बेहतरीन है।
और हम यहाँ पहुँचे थे तकरीबन 3 बजे। और जैसा कि लोग जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वो जानते हैं कि जामा मस्जिद में रात में ज़्यादा रौनक होती है और दुकानें तकरीबन सज रही हैं, जायकों का बाज़ार सज रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि पुरानी दिल्ली में आकर पुराने लखनऊ का एहसास होता है, क्योंकि इमारतें कल्चर देखकर कुछ एक ही जैसा एहसास होता है। और सामने ही हमें दिख गया मोहब्बत का शरबत जो दिल्ली में काफ़ी मशहूर है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद में, और जामा मस्जिद के सामने एक रोड गया है, उस रोड का नाम है बाजार मटिया महल। और ये पुरानी दिल्ली का दिल कह लिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, और तमाम तरीके के जायके, बेहतरीन तरीके के खाने आपको यहाँ पर मिलेंगे। आइए चलते हैं, अगर दिल्ली आए हैं तो दिल्ली का जायका तो ज़रूर लेंगे और आपको भी ज़रूर दिखाएंगे हम दिल्ली के जायके। पुरानी दिल्ली का जिक्र जब भी आता है तो एक जगह का नाम ज़रूर निकल कर आता है, बाज़ार मटिया महल। जी हाँ, ये वो रोड है, ये वो गली है जहाँ पर आपको पुरानी दिल्ली के बेहतरीन से बेहतरीन जायके मिलेंगे। इसी रोड पर एक बहुत ही मशहूर होटल है असलम चिकन, और काफ़ी मशहूर है, और हम देखेंगे चल कर के किस तरीके का जायका है उनका। अगर आप जायकों के शौकीन हैं तो पुरानी दिल्ली ज़रूर आएँ, और पुरानी दिल्ली में बाज़ार मठिया महल तो आना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जायके यहां पर मिलेंगे। पुरानी दिल्ली के जायके अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, और दिल्ली वाले खानों के शौकीन हैं ये देखकर हमको अंदाज़ा हुआ, क्योंकि तकरीबन वक्त हो रहा है 2:00 PM, और होटलों पर हमने देखा कि जैसे मजमा उमड़ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि दिल्ली वाले खानों के कितने शौकीन हैं। पुरानी दिल्ली की पहचान एक चीज़ और बन गई है, वो है मोहब्बत का शरबत। तो जनाब, हम अपनी मंजिल के पास आ गए, हम इस वक्त मौजूद हैं असलम चिकन पर। जनाब, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। मोहम्मद साबिर भाई, तो जनाब आप बताइए असलम चिकन के बारे में कुछ हमें। सर, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ जी, और जब भी दिल्ली आता हूँ या बिजनेस पर्पज से जब भी आता हूँ यहाँ जरूर आता हूँ खाने के लिए। और ये मेरे भाई जो है कलकत्ता से आए हैं। आपका नाम? इम्तियाज। इम्तियाज भाई, कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? जब भी दिल्ली आना होता है यहाँ पर रेगुलर आते हैं।
तो बहुत जैसे मैं कल रात को 2:30 बजे यहाँ पर पहुँच गया सुबह का खाना खाने। तो हम मैं लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ बिग चैनल है हमारा, तो हम भी पहली बार आए हैं यहाँ पर काफ़ी नाम सुनने के बाद। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। ऐसा जगह कहीं नहीं मिलता जयपुर में, राजस्थान में कहीं नहीं। बहुत अच्छी बात है, हम लोग अभी जायका लेके हम भी देखेंगे किस तरीके का जायका है यहाँ का। जरूर करिए जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों आइए आप लोग को मिलवाते हैं कुछ लोगों से जो असलम चिकन में हमें मिल गया और जायका ले रहे हैं असलम चिकन का, तो पूछते हैं किस तरीके का जायका लग रहा है उनको। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाम मोहिद्दीन। गुलाम मोहिद्दीन जी, बताइए किस तरीके का जायका लग रहा है आपको? बहुत ही बेहतरीन जायका है, पूरे इंडिया में मैंने कभी ऐसा चिकन नहीं खाया। पहली बार आए आप यहाँ? मैं दूसरी बार आया। दूसरी बार आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात अहमदाबाद से आया। गुजरात अहमदाबाद, और आप कुछ बोलना चाहेंगे? खाना बहुत बढ़िया है। खाने बहुत बढ़िया है, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर बोलने के लिए और यहाँ का जायका लेने के लिए। हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के पास असलम चिकन पर, और जिस तरीके का आप देख रहे होंगे किस तरीके का बेहतरीन जायका दिल्ली वालों को दे रहे हैं ये। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के ऑनर से कि कितना पुराना होटल है इनका, किस तरीके का जायका दिल्ली वालों को दे रहे हैं ये। दोस्तों आइए बात करते हैं राशिद भाई से और पूछते हैं असलम चिकन के बारे में कि इस पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद की गलियों में तमाम तरीके के जायके हैं, लेकिन असलम चिकन में ऐसी कौन सी बात है जो लोगों के मुंह पर जायका, ज़बान पर जायका लगा हुआ है असलम चिकन का? जी सर बताइए। सर असलम चिकन जो इतना फेमस हो चुका है, अल्लाह के हुक्म से इतना फेमस हो चुका है, मैं आपको बता नहीं सकता। बड़ी दूर दूर से लोग खाना आते हैं पर, और जो बंदा एक बार आ गया वो कम से कम 10 को तो लेके ही आता है। और जो असलम भाई के मसाले हैं वो उनके सीक्रेट हैं, वो खुद ही तैयार करते हैं, उनके दादा पड़दादा ने उनको बता रखा है, जो भी रेसिपी उनको समझाइए वो उनकी सीक्रेट होती है, बाकी अल्लाह की रहमत है। और देखते हैं कि राशिद राहुल गांधी को भी असलम भाई का चिकन टिक्का खींच लाया, और पता नहीं कितने सेलिब्रिटी आते हैं, हमें खुद को भी मालूम नहीं, जो खाना खा के निकल जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो बंदा आया था खाना खाने। चलिए देखिए, हम खास तरीके से लखनऊ से आए हैं और लखनऊ मिक्स आज दिल्ली में पहली बार दिल्ली का जायका लखनऊ मिक्स लोगों को दिखा रहा है, और राशिद भाई जो कह रहे हैं इस बात को हम भी चेक कर देखेंगे, जायका लेंगे दिल्ली का कि किस तरीके का असलम चिकन है। तो दोस्तों हमारे सामने आकर लग गया है हमारा बटर चिकन और चिकन सीख कबाब, और हमारे साथ हमारे जवाद भाई हैं जो हम दोनों जायका लेकर बताएंगे कि किस तरीके का जायका है यहाँ का। पहले क्या खाएंगे जवाब भाई? बटर चिकन। तो जवाब किस तरह जाकर लग रहा है आपको? बहुत अलग टेस्ट आ रहा है। देखिए दिल्ली आना और यहाँ का चिकन खाना, देखिए मेहनत स्वारत हुई और हम लोग यहाँ पे आए तो काफ़ी अच्छा जायका हम लोग को लग रहा है यहाँ का। वैसे तो हम तो ये सोचते थे कि नॉनवेज सबसे अच्छा लखनऊ में ही मिलता है, लेकिन यहाँ का भी नॉनवेज कम नहीं है लखनऊ से। और अब हम चिकन सीख कबाब ट्राई करके देखते हैं किस तरीके का जायका है इसका। देखिए लखनऊ मिक्स दिल्ली आया और लखनऊ के जायके तो हमने कई एक लिए, लेकिन दिल्ली भी जायकों का एक शहर है और आपको तमाम तरीके के बेहतरीन जायके मिल जाएंगे यहाँ पर। ये क्या चीज़ लाए हैं आप? ये स्वीट है सर। स्वीट्स बहुत बढ़िया, ये स्पेशल खीर है असलम खीर। असलम हमारे व्यूवर्स देख लें असलम खीर को, जब तक हम जायका खीर बाद में खाएंगे, अभी हम लोग हमारे कैमरामैन भी काफ़ी बिजी हैं
और हम लोग खीर साथ में खाएंगे। अभी क्या क्या आना है? बहुत अच्छा टेस्ट है। अफसर भाई यहाँ आइए। बटर का टेस्ट जो आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। अफसर भाई आ रहे हैं और काफ़ी लोगों को जायका दे चुके हैं, लगा चुके हैं, लोगों के आगे पूछ बात करते हैं। बैठिए अफसर भाई, आपने कहा बैठिए, आप बैठिए बिंदास। अफसर भाई कौन कौन आए हैं यहाँ पे लोग खाने के लिए? राहुल गांधी आया हुआ है और भी कोई आया हुआ है। आप खाते हैं, आपको कैसा टेस्ट लगता है यहाँ का? बेहतरीन लगता है। बहुत बहुत दूर से यहाँ पे लोग बाग आते हैं खाना खाने, बहुत बेहतरीन खाना बनाते हैं। कब से आप यहाँ पे? 7 साल हो गए मेरे यहाँ पे। 7 साल? भाई जायके की बात करें तो जायका तो एक नंबर है, अच्छा है, बेहतरीन है जायका यहाँ का। अगर जिस तरीके का चिकन या कबाब आप कहें तो कबाब खाने वालों के लिए बेहतरीन जायका है यहाँ का। बहुत बढ़िया खाना बनता है, बहुत बेस्ट। जो मतलब यहाँ कस्टमर आते हैं बहुत खुश हो गए। हाँ, बहुत खुश हो गए। अच्छा ये मसाला बताइए, मसाला किस चीज़ का? ये चाट मसाला। चाट मसाला ये आप लोग खुद बनाते हैं? जी, हमारे ओनर साहब बनाते हैं। कुछ ये सीक्रेट मसाला होगा कुछ? ये चिकन सीख मसाला जो है ना, ये हमारे ओनर साहब बनाते हैं, बटर चिकन का मसाला। अच्छा, ये आप अपना मेकिंग मसाला है? लाजवाब। सलमान भाई आप कहाँ चले गए थे? कॉल है तो भाई बेहतरीन खाना छोड़कर आप कॉल कर रहे हैं, पहले आप जायका लीजिए यहाँ का। रोटी कुछ बता दीजिएगा किस तरह से लगा? हम लोग को तो बड़ा टेस्टी लग रहा है खाना यहाँ का, चेक कर ले। आप जायका लीजिए। आप देखिए हर एक के लिए अपना अलग अलग मज़ा है। मान लीजिए कि आप ज़्यादा टफ चीज़ नहीं खा सकते, थोड़ा ये टफ है, तो ये नॉर्मल लोगों के लिए है कि आप आराम से खा सकते हैं, सॉफ्ट चीज़ एकदम है। तो सलमान भाई कैसा लगा आपको? ये तो बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। दिल्ली हो या लखनऊ हो, देखिए दोनों एक जायकों का गढ़ है और बेहतरीन तरीके से जायके आपको मिलते रहेंगे वहाँ पे। अफसर भाई अब क्या लाए हमारे लिए? बटर पनीर लाए और बटर चिकन और एक हाफ लाए। बटर चिकन एक और पनीर है। ये बटर चिकन, बटर चिकन वेज में, ये वेज डिश है। जवाब भाई इसको टेस्ट करके बताइए। बटर पनीर भाई देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, लेकिन इसका जायका लेके बताते हैं आपको। बहुत ही अलग और बहुत ही बेहतरीन तरीके का जायका है और हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये असलम चिकन आकर हमारा मकसद पूरा हो गया, जिस चीज़ के लिए हम आए थे। जायका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बटर चिकन, बटर पनीर, लाजवाब बटर पनीर, बेहतरीन जायका। दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे अलविदा कहने का। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत से लोग हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आखिरी तक नहीं देखते हैं। हमारी वीडियो को पूरा देखिए, शेयर करिए। और लखनऊ क्या, अब आपको आप समझ गए होंगे कि लखनऊ मिक्स अब लखनऊ के बाहर पहुँच गया है। आपको हम आज असलम चिकन दिल्ली लेके आए हैं और इसी तरीके के जायके आपको हमेशा मिलते रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।